महाराजा गंगा सिंह जी की पावन भूमि श्री गंगानगर पर पधारे भारत के सम्मानित सदन लोकसभा के अध्यक्ष और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय ओम बिरला जी का मैं आज इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आभार व्यक्त करता हूं हमारे अति सम्मानीय जनप्रतिनिधि सांसद श्री निहाल चंद जी का, विधायक श्री जयदीप बिहानी जी का, सादुल शहर विधायक श्री गुरवीर बराड़ जी का, जिनके साथ और आशीर्वाद से आज यह आयोजन होने जा रहा है। मुख्य अतिथि महोदय, मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि टांटिया विश्वविद्यालय जहां पर आज हम सभी उपस्थित हैं, यह इसकी झोली उपलब्धियों से भरी हुई है। यह अकेला ऐसा विश्वविद्यालय है जो कि बीकानेर संभाग का पहला विश्वविद्यालय यूजीसी से मान्यता प्राप्त है। इसी विश्वविद्यालय में एक मेडिकल कॉलेज है जो कि राजस्थान का नौवा और बीकानेर संभाग का सबसे पहला प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। राजस्थान में जयपुर और उदयपुर जैसे मेट्रो शहरों के बाद सिर्फ श्री गंगानगर ही एक ऐसा जिला है जहां पर की केंद्र सरकार द्वारा इस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को मान्यता दी गई है। हमारे यहाँ जो 600 बेड का एक हॉस्पिटल है जिसे कि अभी अभी आपने देखा, वो इस बीकानेर संभाग का सबसे बड़ा चैरिटेबल हॉस्पिटल है। और इसी तरह हमारा जो वेटनरी संकाय है वो देश का एकमात्र ऐसा वेटनरी कॉलेज है जिसे कि किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंतर्गत मान्यता मिली है। मान्यवर, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि भविष्य में भी हम इसी नैतिकता और विश्वास के साथ इसी तरीके के स्किल बेस्ड और प्रोफेशनल कोर्सेज लाते रहेंगे जो कि हमारे अपने शहर क्षेत्र संभाग में आजीविका कमाने में मददगार साबित होंगे। यहाँ के परिवारों की आमदनी को किस प्रकार से बढ़ाया जाए इसके लिए हमारा विश्वविद्यालय प्रतिबद्ध है और इसी को सोचते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना वोकल फॉर लोकल को साकार करने में हम अपनी भूमिका निभाएंगे। आज हमारे लिए गर्व का पल है कि मुख्य अतिथि के रूप में ऐसी महान शख्सियत हमारे बीच मौजूद है जिनकी विनम्रता, कुशलता और सफलता की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम होगी। और उसी तरह उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के रूप में अपनी कार्यशैली से पूरी देश को प्रभावित किया है। मुख्य अतिथि महोदय, वो भी कभी समय था जब हमारे यहाँ के बच्चों को दिल्ली, जयपुर और दूसरे मेट्रो शहरों की ओर जाना पड़ता था, लेकिन समय ने ऐसी करवट ली और हमारे जनप्रतिनिधियों का ऐसा साथ रहा व केंद्र सरकार की ऐसी दूरदर्शी योजनाएं आई कि आज मेट्रो से दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों से बच्चे हमारे यहाँ श्री गंगानगर जैसे सीमावर्ती जिले में आ रहे। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारा विश्वविद्यालय इस क्षेत्र का सबसे बड़ा रोजगार का भी केंद्र है और अभी भी आगे आने वाले समय में हम रोजगार के अवसर बढ़ाने पर प्रतिबद्ध रहेंगे। आज के दिन भी लगभग 2500 से ज्यादा स्टाफ हमारे यहाँ काम कर रहा है और लगभग 1200 से ज्यादा छोटे बड़े वेंडर, सर्विस प्रोवाइडर परोक्ष रूप से टांटिया समूह के साथ जुड़े हुए हैं। आभार जताना चाहूंगा हमारे समूह के हर सदस्य का जिनकी मेहनत और समर्पण से यह संभव हो पाया है। अंत में एक बार फिर आपका पुनः पुनः स्वागत व अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत, जय श्री गंगानगर।